की, बोले भारत माता की जय। वंदे वंदे, साथ स्वागत करिए। कुड़मुख किसान उत्पादक संघ का गठन हुआ, कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच ऐसे 10,000 के करीब पूरे देश भर में एफपीओ खुले, लगभग 4,000 के ऊपर एफपीओ खुल चुके हैं, जिसके माध्यम से किसानों को एकजुट रखना, किसानों को अपडेट करना, अच्छा बीज, अच्छा बाजार, अच्छा उत्पादन, कैसे हम किसानों को उनके खेत तक अच्छा बीज पहुंचा पाए, उनको अच्छा बाजार उपलब्ध करा पाए, और एफपीओ के माध्यम से किसानों को संघ में जोड़कर उनको कहते ना उत्पादन के अनुरूप उनको दाम मिले, ताकि किसान संपन्न हो, वो स्वावलंबी हो, एक बहुत बड़ा काम। और मौसम के हिसाब से, समय के आधार पर हम क्या खेत में उत्पादन करें और कब किस समय करें, और टपक विधि के द्वारा कैसे हम उत्पादन को और बढ़ाएं, खेती को और बढ़ाएं, यह सब एफपीओ के माध्यम से किसानों को जन जागरण, उनका जनसंपर्क, और जनसंपर्क के माध्यम से उनका आय, उनको स्वावलंबी बने, एक बहुत बड़ा काम खड़ा हुआ है। और मैं कुड़मुख किसान संघ के सभी डायरेक्टर को बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ कि यह एफपीओ के माध्यम से इस क्षेत्र में रहने वाले छोटे किसान, बड़े किसान सबको फायदा हो। और 2023 हम सब तो योगा करते थे, अब पूरी दुनिया योगा डे मनाती है, अब पूरी दुनिया 2023 को मिलेट ईयर मनाएगी। 2023 मिलेट मतलब मोटा अनाज मना मतलब हिंदुस्तान मतलब गांव, गरीब किसान, जो छोटे छोटे किसान हैं, जो बाजरा उगाते हैं, जो मड़ुआ उगाते हैं, जो मक्का उत्पादन करते हैं, ऐसे किसानों को एक बहुत बड़ा बाजार, देश नहीं दुनिया का बाजार मिले। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस आग्रह पर, आह्वान पर योनो ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। अब छोटा छोटा किसान, छोटा छोटा पंचायत में, गांव में रहने वाले ऐसे लोग जो बहुत एक एकड़ के अंदर हम मक्का उगा लिए, हम मड़ुआ ले लिए, अब उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनका आय का साधन बढ़ेगा, और जब आय का बढ़ेगा, मोटा अनाज का उपयोग बढ़ेगा, तो ये चाउमीन और जो फास्ट फूड है उसका उपयोग कम होगा और मोटा अनाज का उपयोग ज्यादा होगा, वो उपभोक्ता मोटा अनाज लेंगे। तो 2023 में हम सबको जनसंपर्क कर मोटे अनाज का उपयोग ज्यादा हो, इस पे हम सब प्रयास करें। ठीक है। तो रांची जिला के कुड़मुख प्रखंड में कुड़मुख किसान उत्पादन संगठन का गठन किए हैं। पिछले 2 साल से लगातार हम लोग किसानों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने के पहले हम लोग को कुड़मुख किसान उत्पादन संगठन को अप्रूवल मिला है सरकार की ओर से। भारत सरकार ने की जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं के तहत हम अपनी एफपीओ को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीईओ बगल में हैं अजय कुमार कुशवाहा जी, इसके अध्यक्ष हमारे एफपीओ के अध्यक्ष बिट्टू साधव जी हैं। हम लोग लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं, कैसे एफपीओ के माध्यम से किसानों को बीज से बाजार तक उपलब्ध कर सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको हम किसानों को कैसे संगठित कर सकते हैं, उनकी समस्याओं से कैसे अवगत हो सकते हैं, और हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए किसानों के लिए किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री मतलब बीज बीज के जो बात के बीज को मन किसान को फ्री दिया जाए कि पैसा लगे किसानों को, जो सरकार की अनुदान में जो चीज आती है, वह अनुदान में जो आता है उसको हम लोग एफपीओ के माध्यम से अनुदान में बांटेंगे। सरकार से जो सब्सिडी के तहत आएगा, मैं सब्सिडी के तहत दूंगा, और मैं बाजार से उत्तम क्वालिटी का बीज कैसे उपलब्ध हो, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे, और इसके लिए हम लोग उसके लिए काम करेंगे। और बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन होगा, उसका जो उत्पादन होगा, उसको भी बाजार कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर मिले, इसके लिए भी हम लोग एफपीओ के माध्यम से काम करेंगे। यही हमारे परिचय क्या होगा, अभी हम लोग को 200 किलो सरसों का बीज भी मिला था, जिसको कि हम लोग सभी किसानों के बीच, हमारे किसान सभी किसानों के बीच फ्री ऑफ कॉस्ट वो बीज को हम लोग वितरण किए, और सभी किसान काफी खुश भी हैं इस चीज।
आगे भी जैसा भी हम लोग का दिशा निर्देश ऊपर से आएगा जिला से केंद्र से, वैसे हम लोग अपने एफपीओ के साथ किसानों के साथ काम करते रहे।